अपडेट है ना रेटों के लिए, वो बड़ी मजेदार है सर, बड़ी ही मजेदार है, जबरदस्त। हमारा फोकस होता है IMO6 के ऊपर हमेशा, और जिंको एन टाइप के ऊपर, तो वो दोनों जो हॉट केक आइटम है हमारे, जिंको एन टाइप और IMO6। और आने वाले वक्तों के अंदर, हमारे अगले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह पहली से पांच के बीच के अंदर टॉप कॉर्न भी आ रहा है एन टाइप के अंदर। सर लॉन्जी जिंको पे मेरा फोकस है, इन्वेलक्स का मस्टन और टॉप कॉर्न वो भी है मेरे पास इस टाइम पे। सोलर इन्वर्टर के देखें 1.2.2 इस टाइम पे शॉर्ट हुआ है। इन्वर्टर्स के हवाले से मेरा भी लोगों के लिए पैगाम है कि जो लोग वेरॉन सीरीज परचेज करना चाहते हैं वो लोग अभी परचेजिंग बंद करें। सर आने वाले वक्तों में नए मॉडल्स आ रहे हैं, अच्छा सोलर पैनल्स लेके रख लें, इन्वर्टर भी परचेज ना करें। इन्वर्टर के अंदर भी नए मॉडल्स आएंगे, उसमें नई नई चीज़ें, नाइट ऑफ की ऑल सीरीज अवेलेबल है, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट, चारों मॉडल्स अवेलेबल हैं। इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी। गर्मी के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मैं लिख के दे दूँगा, चाहे टैक्स लगे नहीं लगे, चाहे टैक्स लगे ना लगे, अगर गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है, मगर आज भी लोग खरीद रहे हैं। बा खुदा मैं ये चीज़ सोच के परेशान हूँ कि लोग अभी भी क्यों खरीद रहे हैं यार, क्यों खरीद रहे हैं। ये होता है कि लोगों को पता है यार इस टाइम पे एक चीज़ 130 रुपये में चली गई थी जो हमें 50 रुपये में मिल रही है, यार हम क्यों उससे फ़ायदा ना उठाएं। बहुत अच्छे रेट हैं यार, ये टाइम है परचेसिंग करने का। इंस्टॉलमेंट का जो हमारा मामला था, देखें हमने आपको बोला मिजान बैंक और बैंक अलवीद से आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, दोनों से आपका केस वहीं से अप्रूव होगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सुन लीजिएगा, घर आपके नाम पर होना चाहिए पहली शर्त, थ्री फेज मीटर होना चाहिए दूसरी शर्त, ऑन ग्रिड सिस्टम रहेगा तीसरी शर्त। मस्जिद के लिए लोगों ने भाई मुझे 100 से ऊपर मेरे पास एप्लीकेशन आ चुकी है। एप्लीकेशन में क्या है, उन्होंने अपना नाम सही हो गया सबसे पहले, उसके बाद मस्जिद का नाम, उसके बाद इलाका, उसके बाद जो है उन्होंने डाला है मोबाइल नंबर। आखिरी तारीख है ना ये स्लिप्स आने की, वो है तकरीबन 31 दिसंबर। जी इंशाल्लाह 1 जनवरी को पहली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कौन सी मस्जिद का निकला और आपके सामने इंशाल्लाह मस्जिद में नाम निकले। अस्सलाम वालेकुम फरमान। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। दानिश भाई कैसे हैं, खैरियत से ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरमान आज क्या पोजीशन है, और जैसे कि आपको पता है आगे 2 दिन जो है छुट्टी है, तो हो सकता है कि रेट ऊपर चले जाए या नीचे आ जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा रोशनी डालें। सर देखें अभी 3 दिन जो है हमारी दुकान है बंद, सही हो गया, और मैं खुद भी जो हूँ आउट ऑफ सिटी होऊंगा, 3 दिन यहाँ पे नहीं हूँ मैं, खुद यहाँ पर आउट ऑफ सिटी होऊंगा, तो उसके हवाले से जो अपडेट है ना रेटों के लिए वो बड़ी मज़ेदार है सर, बड़ी ही मज़ेदार है, ज़बरदस्त। क्या कोई कमी उमी की खुशखबरी सुना रहे हो आज? सर देखें हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अपने डीलर्स को जो है वो हम अच्छे से अच्छा रेट दें, जो हमारे काफ़ी दुकानदार हैं आउट ऑफ सिटी के, अच्छा, उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ, बाय रोड जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह सब कुछ से मुलाकात करता हुआ जाऊँगा, और सबका ये होता है फरमान भाई हमें अच्छे से अच्छा रेट दें, तो सबके लिए भाई अच्छे से अच्छा रेट है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो हमारा फोकस होता है IMO6 के ऊपर हमेशा, और जिंको एन टाइप के ऊपर, तो वो दोनों जो हॉट केक आइटम है हमारे, जिंको एन टाइप और IMO6। बिल्कुल। और आने वाले वक्तों के अंदर, हमारे अगले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह पहली से पांच के बीच के अंदर टॉप कॉर्न भी आ रहा है एन टाइप के अंदर ना, एन टाइप कैनेडियन टॉप कॉर्न भी आने वाला है। अच्छा जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अभी मैं आपको प्राइस जो देने वाला हूँ ना, तो थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग्स करी है मैंने। ठीक। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई नॉर्मल बंदा अपने घर के लिए लेता है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो रेट आज खोला है ना, वो खोला है 50 रुपये 50 पैसे। 50 रुपये 50 पैसे, बिल्कुल IMO6 की बात कर रहे हैं। IMO6 जबरदस्त यार, सही हो गया माशाल्लाह। और अगर मिसाल के तौर पे कोई दुकानदार अपनी दुकान के लिए एक पायलट लेता है, तो अच्छा। हम उसको भी 50 रुपये 50 पैसे के अंदर पहुंच देंगे, यानी यूजर को भी अंदरूने सिंध के अंदर। ठीक। 50 रुपये 50 पैसे में पहुंच देंगे पायलट। अच्छा अच्छा, पायलट के रेट, लूज पैनल की बात नहीं हो रही, पायलट के जरिए पहुंचा के देंगे, सही हो गया, आपके शहर के अंदर आपको एड्रेस उठाना होगा, मैं असेबिलिटी आपको करा के देंगे। और दूसरी चीज ये कि ANZ के अंदर जो पेमेंट आएगी मैं सिर्फ और सिर्फ उसका पाबंद हूँ। ठीक, सही हो गया, सही बात है, वो बात मैं आपको बाद में कंटिन्यू करता हूँ, एक इशू भी आया हुआ उसके ऊपर। और अगर तीसरा ऑप्शन कोई हमसे कंटेनर लेता है, तो हम उसको 49 रुपीज पर वॉट का कंटेनर का रेट देंगे IMO6 का। ठीक। जो हमारे सिंध के हजरात ने अयाज भाई हैं, जाहिद भाई हैं, शक्कर के
और गवर्नमेंट में अयाज भाई हैं, काफ़ी बहुत सारे डीलर्स हैं हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर, मेहरापुर में हो गए हमारे अफजल मेहरापुर, काफ़ी डीलर्स हैं। इसके अलावा और एन टाइप के ऊपर आ जाएँ तो एन टाइप का रेट है 52.50 का। अच्छा, ये कंटेनर का रेट आप बता रहे हैं? ये पायलट का रेट, पायलट का रेट पता, लूज पैनल का रेट है। अच्छा, लूज पैनल के रेट बता रहे हैं। और अगर आप हमसे पायलट मांगेंगे अंदरूनी सिंध के अंदर, ठीक, तो आपको अड्डे के ऊपर पहुंचा देंगे, आपके अड्डे से अड्डे हमारा मसला होगा, आपका मसला नहीं होगा, तो भी आपको इतने पड़ेगा पूरा पैक पायलट। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर आप इस ऑफर से फायदा उठाना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर आपके घर के बराबर वाला है, आप हैं दस दस मतलब तीन बंदे हो जाए, पांच पांच किलो का सिस्टम वाले, ठीक है, दस पायलट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक कंटेनर जबरदस्त, एक पायलट आपका पूरा कंप्लीट आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये तरीका अच्छा है, इसके फायदा उठाएं, हम आपके लिए आसानी करते हैं कि आपके लिए जितनी आसानी से आसानी हो सके। इसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर कोई एन टाइप का हमसे वो लेता है तो क्या कहते हैं, पायलट या कंटेनर, पायलट लेता है तो कराची के अंदर तो हम उसको दे देंगे 52 रुपए का, 52 रुपए। और कराची में लॉन्जी लेगा तो उसका रेट हम आपको दे रहे हैं 50 रुपए पायलट का, 580। ये एंड यूजर की बात कर रहे हैं आप? ये सर एंड यूजर हैं, चाहे दुकानदार है, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं। अच्छा, और ये तीन दिन बड़े कीमती हैं। बिल्कुल, पहली तारीख को टैक्स भी लग सकता है, कीमतों पर जा सकती है, मुल्क के हालात आपके सामने, जिस तरह महंगाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह मामला चल रहे हैं, जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं, जिस तरह के हालात हैं मुल्क के, अल्लाह माफ़ करे, इस मुल्क के हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी इस चीज़ से, हमारी कोशिश होती है कि आप लोग जितना फ़ायदा कर सकें ना उतने ज़्यादा फ़ायदा करें। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा फरमान, अब थोड़ा सा एक आसान लफ्ज़ों में बताओ कि इस वक्त आपके पास आर्टिकल कौन कौन से मौजूद हैं? सर लॉन्जी, जिंको पे मेरा फोकस है जी, इनवरेक्स का मस्टन और टॉपकॉर्न वो भी है मेरे पास इस टाइम पे। अच्छा, तो इनके पर वॉट आप जरा सा आसान लफ्जों में बता दें सर। 52 रुपीज पर वॉट इनवरेक्स मस्टन का रेट है, ठीक। टॉपकॉर्न का रेट अभी आया नहीं है, 5 तारीख को माल आएगा तब देंगे। अच्छा, अगर कोई हमसे ये चाहता है कि प्री बुकिंग कराना, बिल्कुल मैं अभी ये पूछने जा रहा था आपसे, सही हो गया, अगर कोई चाहता है हमसे कंटेनर की प्री बुकिंग कराना तो भाई 48 रुपीज पर वॉट में एन टाइप का कंटेनर बुक कर रहा हूँ। जबरदस्त, 15 जनवरी को मैं आपको दे दूंगा। अगर टैक्स लग गया तो इसके अंदर अमाउंट अलग ऐड होगी 18% जो GST अमाउंट होगी, अदरवाइज और कोई नहीं अमाउंट ऐड होगी। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, कोई भी कंटेनर बुक कराने से पहले ये चीज माइंड में, अगर टैक्स लगेगा तो उसके अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी, विदाउट टैक्स पे नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, अगर टैक्स नहीं लगता तो 48 का रेट है भाई मेरा, आके मुझसे कंटेनर ले लो, बाइक करो, मैं खुलेआम दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एंड यूजर को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यार एंड यूजर का काम कंटेनर का नहीं है ना भैया, नहीं, लूज पैनल वालों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? अगर लूज पैनल वाले लेते हैं तो भैया 48-50 में दे दूंगा यार मैं, और बोलो। ठीक, जिन जिन पैनल्स के आपने अभी रेट कोट किया है वो कितने दिन के लिए वैलिड होगा? सर देखिए, जैसे कि मिसाल आज का मैं आपको रेट दे रहा हूँ ना, तो ये एक हफ्ते का रेट है, एक हफ्ते का रेट है। अगर आप मिसाल के तौर पर आपने प्री बुकिंग करा ली ना, आपको मतलब बुकिंग करा लो आप, मंडे को मार्केट खुलती है, मंगल को मार्केट खुलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, बुध तक मेरा यही रेट है। आप मगर 2 दिन में बुकिंग करा लो, हम 2 दिन बिल्कुल फारिग हैं, हमने काम करना है, ये हमारी छुट्टी नहीं है, आप लोगों की छुट्टी है भैया, बिल्कुल, हमने आपका कायदे आज़म डे वाले दिन भी हमने काम करना है, क्रिसमस भी हमने काम करना है, हमने इतवार को भी काम करना है, हमारा कोई दिन छुट्टी नहीं होती। अहमद भाई हैं, हमजा है, हमाद है, अली भाई हैं, माशाल्लाह वाहज भाई हैं, कोई छुट्टी नहीं करता, सब काम करते हैं छुट्टी के दिन भी, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा रेट लेके आ सकें, आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी प्लानिंग कर सकें, आप लोगों को फ्री विजिट दे सकें, आप लोगों के लिए आसानी कर सकें। जबरदस्त, क्योंकि अब छुट्टी होती है तो मेरी कोशिश होती है मैं आउट ऑफ सिटी निकल जाऊँ, घर वाले ही परेशान होते हैं इस चीज से। चले आगे आ जाए। अच्छा, इसके बारे में भी बता दें सोलर इन्वर्टर के हवाले। सर सोलर इन्वर्टर के देखिए 1.2.2 इस टाइम पे शॉर्ट हुआ है, इन्वर्टर्स के हवाले से मेरा भी लोगों के लिए पैगाम है कि जो लोग वेरॉन सीरीज परचेज करना चाहते हैं वो लोग अभी परचेजिंग बंद करते हैं। अच्छा, क्यों, उसकी कोई वजह? सर आने वाले वक्तों में नए मॉडल्स आ रहे हैं। अच्छा, सोलर पैनल्स लेके रख लें, इन्वर्टर ही परचेज ना करें, इन्वर्टर के अंदर भी नए मॉडल्स आएंगे, उसमें नई नई चीजें, तो वो हम आपको बड़ी आसानी से अच्छे रेट पर दे सकेंगे, एडवांस फीचर्स होंगे उसमें। बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्त। और नाइट्रॉक्स तो ले लें, नाइट्रॉक्स तो सदा बाहर है, ऐसी चीजें कि आप लगाते हैं ना उसका मसला नहीं है नाइट्रॉक्स का।
तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है? सर मेरे पास 1.2 भी है, 2.2 भी है, मगर मैं आपको मना कर रहा हूँ, किसी वजह से रोक रहा हूँ। ठीक, सही हो गया। 3.2 है, 6 किलो वाट है, नाइट्रॉक्स की ऑल सीरीज अवेलेबल है, 3 किलो वाट, 6 किलो वाट, 8 किलो वाट और 12 किलो वाट, चारों मॉडल्स अवेलेबल हैं। बट आपको मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रॉक्स ने वेयर ऑन में भी परचेजिंग अपनी स्लो कर। जबरदस्त, IP65 की तरफ तो जा सकते हैं। हाँ, IP65 पे जाए कोई मसला नहीं है, वेरॉन के नए मॉडल्स आने वाले हैं जो अनकरीब आने वाले, क्योंकि कंपनी हर साल नया मॉडल लॉन्च करती है, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले होंगे, कंफर्म नहीं है मगर 80% चांसेस होंगे आएंगे, ये है। आप क्या समझते हैं, आगे रेट ऊपर की तरफ का इशारा है या कुछ नीचे की तरफ? देखे दानिश भाई, रेटों का ये है कि देखें ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ, अगर टैक्स नहीं लगता तो रेट नीचे आएगा, अगर टैक्स लग गया। देखें टैक्स की हवा हम एक हफ्ते से सुन रहे हैं, आ रहा है, मगर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन रेट ये नहीं रहेगा, बढ़ जाएंगे, उस दिन रेट 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये बढ़ जाएगा। ये चीज माइंड में रखें बस, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है उसके सेम डे भी कोई आपको सेम डे माल नहीं देगा। अगर मेरे पास माल हुआ मैं वादा करता हूँ आप लोगों को दूंगा। आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि इस टाइम पे वैलिड है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए या गर्मी का वेट करें? सर इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी। गर्मी के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मैं लिख के दे दूँगा, चाहे टैक्स लगे नहीं लगे, चाहे टैक्स लगे ना लगे, अगर गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है, पंजाब में सूरज निकलता है 2 से 2.5 घंटे बस, जो आजकल का मौसम है, मगर आज भी लोग खरीद रहे हैं। बाखुदा मैं ये चीज़ सोच के परेशान हूँ कि लोग अभी भी क्यों खरीद रहे हैं यार, क्यों खरीद रहे हैं, यूँ खरीद रहे हैं। ये होता है कि लोगों को पता है यार इस टाइम पे एक चीज 130 रुपये में चली गई थी जो हमें 50 रुपये में मिल रही है, यार हम क्यों उससे फायदा ना उठाएं। वाह क्या बात है यार, बिल्कुल निचली सतह पर है इस वक्त, बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छे रेट है यार, ये टाइम है परचेसिंग करने का। अगर अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग आए थे, आप यकीन करें वो अभी कनाडा जा रहे हैं 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, वो इन्हें लेके सामान घर पे रख के चले गए। क्यों रख के लेके गए भाई? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, हमसे कोई तकरीबन 70 या 80 साल की उनकी उम्र थी, बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, इनका से उनकी टांग का ऑपरेशन वगैरह हुआ था, आप यकीन करें वो फिर मेरी दुकान चलकर आए, सही हो गया, और वो मुझसे लेके गए। क्यों लेके गए भाई? उनको पता है कि वापसी आऊंगा तो रेट ऊपर होगा, रेट ऊपर होंगे। तो यानी आप आवाम को ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाय करें, इसको अवेल करें, बिल्कुल ऐसे बहुत गोल्डन चांसेस हैं ये, बिल्कुल ऐसे ये वक्त है, वर्चस्व है, बहुत जबरदस्त यार। अच्छा इसके अलावा आप ये बताएं कि अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाय करना चाहता है या आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो अपने? सर देखिए मेरी सबसे पहले आप हमारे अली भाई का नंबर लिखें, 0346-3501-823। अच्छा आपने जो कॉलिंग का जो इनका टाइम है ना, देखिए आपने इनको कॉल करनी है, देखिए मुख्तसर टाइम के अंदर आपने ये नहीं रात को 3 बजे इनको कॉल कर दें, कल मुझे बोल रहे थे कि फरमान भाई रात को 3 बजे कॉलें आ रही हैं यार, क्यों मेरे साथ जल्दी कर रहे हो आप? ऐसा ना करो उनके साथ कि रात को 3-3 बजे भी उनको कॉलें करो, एक स्टैंडर्ड जो टाइम है उस टाइम पे कॉलें करें, बिल्कुल कि वर्किंग टाइम पे करें ना, वर्किंग टाइम पे रात 12 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच में कर ले, कोई मसला नहीं है। उसके बाद माथ बे का नंबर लिखे 0342-215-2599, इनको भी आप कॉल करें, सही हो गया, इनका भी कोई मसला नहीं है। 0336-352-5521, ये हैं हमाद साहब, इनको भी आप कॉल करें। अहमद साहब 0334-36-73-210, अहमद साहब जो है वो कोयटा जा रहे हैं, मैं जो हूँ इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ, तो आप लोगों का जो भी होगा विजिट होगा तो हम लोग खुद कर लेंगे, उस चीज से आप बेफिक्र हो जाए, जो भी होंगे वो कॉल प्राप्त करेंगे। और अगर मुझसे आपने रब्ता करना तो मेरा नंबर लिख लीजिए 0336-1815-487, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, तो आप इससे कॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ आई कि हम आपके साथ करने में व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा या कॉल ना उठाऊँ तो मसरूफ होता हूँ कहीं होता हूँ, मगर अब ये 3 दिन बड़े काम कीमती है आप लोगों के लिए, इससे फायदा उठाएं, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, आपके फोन पर कॉल पर डन करें, सही हो गया। हमारे अकाउंट्स हैं 4, बैंक अल हबीब, मिजान, अल्फला और बैंक इस्लामी, ANZ सोलर एनर्जी के अकाउंट है, उसने पेमेंट लगाएगा, जो नंबर मैंने आपको दिए हुए इन्हीं नंबर से अगर अकाउंट आए तो पेमेंट लगाएगा, और किसी अकाउंट की पेमेंट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक, ये अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि एक बंदे ने बोला मान ले आपके नाम से मैंने पैनल परचेज करें, मैंने कहा मेरे नाम से पैनल परचेज करें, बोले हाँ आप थे कहीं रिगल पे,
मैंने कहा नहीं यार मैं तो रिगल में लजी भी बैठा हूँ, तो मेरे नाम से बड़े भाई दो नंबर ही हो रही है, तो ख्याल करिएगा कोई अगर आपको फ्रॉड करने की कोशिश करे तो मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल करके लाजमी बताएगा, काइंडली मेहरबानी होगी। अब एड्रेस भी बता दें सर। देखिए अल लजीबी टावर है, मोबाइल मार्केट से आप थोड़ा सा आगे आते हैं स्ट्रेट तो सीधे हाथ पर लजीबी टावर है, शीशे की बिल्डिंग है, उसी के नीचे मेरी दुकान है। बहुत इजी एड्रेस है, बहुत आसान एड्रेस है, मार्केट से धोखा ना खाएगा, दो नंबर पहले मार्केट में बहुत है, एहतियात करें, अच्छी चीज लेके जाइए आप। मेरे पास से जो भी आपको पैनल मिलेगा वो ओरिजिनल होगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी चीजों की गारंटी मेरी अपनी जाती खुद होगी। अच्छा आखिरी में ये बता दें कि कुछ ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट के हवाले से। सर इंस्टॉलमेंट के हवाले से देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर करता चलूं, दो चीजें मैंने आपको क्लियर करनी है, एक इंस्टॉलमेंट और एक मस्जिद। इंस्टॉलमेंट का जो हमारा मामला था, देखिए हमने आपको बोला मिजान बैंक और बैंक अल अबीब से आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, दोनों से आपका केस वहीं से अप्रूव होगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सुन लीजिएगा, घर आपके नाम पे होना चाहिए पहली शर्त जी, थ्री फेज मीटर होना चाहिए दूसरी शर्त, ऑन गेट सिस्टम रहेगा तीसरी शर्त, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपका काम मैं करवा के दूंगा दो दिन के अंदर। जबरदस्त। अब आप बोलोगे यार मेरा घर में मीटर नहीं लगाओ मुझे इंस्टॉलमेंट भी दिलवा दो, ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक बैंक की एसओपीज को आप फॉलो नहीं करेंगे आपका कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए आप मस्जिद के बारे में। जो मस्जिद के लिए लोगों ने भाई मुझे 100 से ऊपर मेरे पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। एप्लीकेशंस में क्या है, उन्होंने अपना नाम सही हो गया सबसे पहले, उसके बाद मस्जिद का नाम, उसके बाद इलाका, उसके बाद जो है उन्होंने डाला है मोबाइल नंबर। ये तीन चीजें लिख के मस्जिद के लिए भेजिएगा, मगर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर, जो मैं आपको नंबर बताऊंगा 0336125255, इस पे आपने भेजना है, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर पर नहीं भेजनी है। तो कुरान दाजी की क्या आपने डेट रखी सर? देखिए हमारी जो बुकिंग चल रही है वो जो आखिरी तारीख है ना ये स्लिप्स आने की, वो है तकरीबन 31 दिसंबर। जी इंशाल्लाह 1 जनवरी को पहली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कौन सी मस्जिद का निकला और आपके सामने इंशाल्लाह कुरान दाजी में नाम निकलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, काफी इंफॉर्मेशन दी आपने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेकर जाए और लेकर आए, इंशाल्लाह ताला मंगल के दिन हम फिर एक अपडेट लेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।